जनपद अमरोहा के नौगावां सादात में 22 सितंबर 2019 को रात्रि में अज्ञात चोरों ने परचून की दुकान में शटर तोड़कर चोरी कर ली। नौगावां सादात मोहल्ला गुला तालाब निवासी मोहम्मद रिहान पुत्र सरकार हैदर की किराने की दुकान शोहरत इंटर कॉलेज नूरपुर अमरोहा मार्ग पर परचून की दुकान में रात्रि में अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर चोरी कर ली, जिसमें लगभग 1,40,000 का सामान चोरी हो गया। सुबह जब रिहान दुकान खोलने आया तब पता चला शटर टूटा हुआ है और दुकान में लाखों का सामान गायब है। रेहान ने तुरंत 100 नंबर पुलिस को फोन किया और चोरी की कहानी बताएं। चोरी के सामान की लिस्ट बनाकर 100 नंबर पुलिस को दे दिए, जिसमें अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर लिखकर पुलिस को दे दी है। चोरी की घटनाएं आसपास गांव में भी हो रही हैं, जिससे कस्बा निवासियों की रात की नींद हराम हो रही है। रेहान ने चोरी की तहरीर देकर पुलिस से चोरी में गए सामान दिलाने की मांग पुलिस से की है। दिल्ली इंडिया न्यूज के लिए शमशाद सैफी की रिपोर्ट। उधर शटर में से आ गया और यहाँ को अंदर आके खिड़की खोली है, जबकि गेट में मैंने ताला लगा रखा था और अंदर से भी ताला है, डबल ताला। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद रिहान है और ये हमारी जो है रिहान मार्केट के नाम से ये हमने ये मार्केट कहाँ पे है? ये मोहल्ला अली नगर सूरत आईटीआई इंटर कॉलेज के पास नौगावां सादात जिला अमरोहा। तो इसमें जो घटना घटी है ये रात किस वक्त घटी है और कब घटी है? ऐसा है, जब मैं सुबह में आया यहाँ पे दुकान का मैंने ताला खोला तो अब मेरी नज़र शटर पे गई। ये शटर जो है हमारा उठा पड़ा था और एक चक्का ये उल्टा पड़ा था, तो मुझे कुछ शंका हुई कि भाई ये कैसे पड़ा है। अब मेरी सामान पे नज़र गई तो हमारा सामान खाली और जितनी भी रैक थी उसमें मसाले और वो सब थे वो सब खाली मिले। तो अब मैं जल्दी से मेरी नज़र फिर उस पर गेट पे गई तो गेट भी खुला हुआ था। अब मैंने जब चेक किया तो हमारे जो जितने भी जो अच्छे वाले सारे चावल थे वो गायब हैं और जो रिफाइंड ऑयल के कंटर थे वो गायब हैं। दाल वगैरह और दालों की जितनी भी बोरियाँ थी वो सब गायब हैं और उसके अलावा क्या कहते हैं जो मसाले थे वो जो महंगे महंगे आधा आधा एक किलो के बड़े बड़े पैकेट थे जो सस्ते हैं वो छोड़ गए, जो सस्ते हैं वो छोड़ के गए पूरी दुकान हमारी। तो आप क्या चाहते हैं थोड़ा सा? भाई हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इसकी जांच करके और तहकीकात करे कि कौन लोग शामिल हैं और पता लगाए। और ये यहाँ पे पहली घटना नहीं है, ये थाना हमारे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है और यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी अभी यहाँ से अभी हमारे बराबर वाले के शाम में 8 बजे यहाँ से मोटरसाइकिल चली गई, उसका आज तक पता नहीं लगा। इधर 2 महीने पहले यहाँ पे चोर आए थे और उसका चुरा के लेके गए हैं। तो आप ये चाहते हो कि आप आपकी जो सामान चोर हुआ उसकी तहकीकात हो गया, आपको सामान मिला है? हाँ जी बिल्कुल चाहेंगे, कौन नहीं चाहने का, हमारा तो बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। और इस मामले में हमारी पुलिस और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो है सख्त कार्रवाई करके जो भी दोषी हैं उनको पहचान करें और सख्त कार्रवाई करें। ठीक।